मुगलों ने भारत पर सबसे अधिक शासन किया था, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, सांझा और औरंगजेब थे। तो आज की इस वीडियो में हम मुगल साम्राज्य के बारे में जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो शुरुआत करते हैं हम बाबर से। बाबर ने भारत पर 1519 ईस्वी से लेकर 1524 ईस्वी के मध्य चार बार आक्रमण किया था। इन युद्धों में उसने तोपखाने का प्रयोग किया था। इसके बाद 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में बाबर का सामना हुआ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से, जिसके पास 1,00,000 सैनिक और 1,000 हाथियों की एक विशाल सेना थी। इस युद्ध में बाबर ने तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया था। बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना से संख्या में कम थी, लेकिन बाबर ने अपनी सूझबूझ और तोपों की मदद से इस युद्ध को अपने हक में कर लिया और विजयी रहा। पानीपत की इस लड़ाई के बाद दिल्ली से आगरा तक के क्षेत्र पर बाबर का अधिकार हो गया, लेकिन अभी भी बाबर की स्थिति मजबूत नहीं थी, क्योंकि उसे एक बड़ी चुनौती का सामना करना था। उस समय राजस्थान के राणा सांगा एक शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने बाबर को बयाना के युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया था। राणा सांगा के पास 2,00,000 की एक विशाल सेना थी। जब बाबर और राणा सांगा का युद्ध अनिवार्य हो गया था, तो बाबर की सेना राणा सांगा से भयभीत हो गई थी। राणा सांगा राजपूताना का एक मजबूत शासक था, जिसके बारे में जानकर बाबर की सेना उससे डरने लगी थी। अपनी सेना को डरता हुआ देख बाबर ने इस युद्ध को जेहाद में घोषित कर दिया। 17 मार्च 1527 ईस्वी को कानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के मध्य एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की सेना पर एक जोरदार वार किया, लेकिन बाबर ने अपने तोपखाने का प्रयोग कर राणा सांगा की सेना को पीछे धकेल दिया, जिससे धीरे धीरे राणा सांगा की सेना कम होने लगी और आखिर में उसे पराजय का सामना करना पड़ा। खानवा की विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली। खानवा की इस जीत के बाद दिल्ली और आगरा के क्षेत्र में बाबर की स्थिति मजबूत हो गई थी। इस युद्ध के बाद इसने मालवा के क्षेत्र में चंदेरी के राजा मोदनी राय को भी पराजित कर दिया था और आखिर में घाघरा के युद्ध को जीतने के बाद 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को इसकी आगरा में मृत्यु हो गई। इसके शव को पहले अस्थायी रूप से आगरा में दफना गया और बाद में काबुल ले जाकर स्थायी रूप से दफना दिया गया। इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र 1530 ईस्वी में बादशाह बना। हुमायूं बाबर की तीसरी बेगम माहम का पुत्र था। उस समय उसकी उम्र केवल 22 वर्ष की थी। गद्दी पर बैठते ही हुमायूं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि बाबर को प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए समय नहीं मिला था। राज्य की आर्थिक स्थिति भी खराब थी। दूसरी ओर से अफगान सरदार मुगलों को भारत से बाहर निकालना चाहते थे। 1531 ईस्वी में हुमायूं ने कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव को हराया था, लेकिन यह जीत उसकी कोई बड़ी जीत नहीं थी, क्योंकि उसे पूरब में अफगानों की बढ़ती हुई ताकत को और गुजरात के शासक बहादुर शाह से ज़्यादा खतरा था। शुरुआत में हुमायूं को लगा कि उसको अफगानों से ज़्यादा खतरा है, इसलिए उसने 1532 ईस्वी में अफगानों को हराकर जौनपुर पर कब्जा कर लिया और उसके बाद उसने चुनार के किले पर घेरा डाल दिया। चुनारगढ़ के किले को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता था। उस समय उस किले पर एक अफगान सरदार शेर खां का अधिकार था। 4 महीने की घेराबंदी के बाद हुमायूं और शेर खां के बीच एक संधि हुई, जिसमें चुनार के किले पर शेर खां का ही अधिकार रहना था। उसके बदले उसने मुगलों से सदा वफादार रहने का वचन दिया था और अपने एक बेटे को हुमायूं की सेवा में भेजा था। हुमायूं आगरा जल्दी लौटना चाहता था, क्योंकि इसी बीच गुजरात के शासक बहादुर शाह की शक्ति आगरा की सीमाओं तक बढ़ने लगी थी। वह इस बात से परेशान था। बहादुर शाह ने गद्दी पर बैठते ही मालवा और चित्तौड़ को जीत लिया था और अब वह आगरा फतेह करना चाहता था। इस खतरे को मिटाने के लिए हुमायूं ने मालवा पर आक्रमण कर दिया और उसे जीत लिया। मालवा से बहादुर शाह चित्तौड़गढ़ आ गया, लेकिन हुमायूं की आक्रमण की खबर सुनते ही वह चित्तौड़ से भी भाग खड़ा हुआ
और मांडू चला गया। हुमायूं ने उसका पीछा किया और मांडू को भी जीत लिया। इसके बाद बहादुर शाह चंपानेर आ गया, लेकिन हुमायूं ने अगस्त 1535 ईस्वी को चंपानेर पर भी अधिकार कर लिया। इन सभी युद्धों में हुमायूं को बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। इसके बाद बहादुर शाह कई स्थानों पर गया और कुछ समय बाद वह एक पुर्तगाली गवर्नर से हाथापाई में समुद्र में जा गिरा और उसकी मृत्यु हो गई, जिसके साथ ही बहादुर शाह का खतरा हमेशा के लिए मिट गया। हुमायूं इतने दिन आगरा से बाहर रहा, जिसके पीछे शेर खां ने अपनी ताकत बढ़ा ली थी। इस बात को जानकर हुमायूं ने फिर से चुनार पर घेरा डाल दिया और 6 महीने की घेराबंदी के बाद उसे जीत लिया। शेर खां ने वहां से आकर रोहतास के किले पर कब्जा कर लिया और इसके बाद बंगाल और उसकी राजधानी गौड़ पर अधिकार कर लिया। हुमायूं आक्रमण के लिए गौड़ आ गया। उसने गौड़ में कानून व्यवस्था संभाली, लेकिन उसकी स्थिति तब ज़्यादा बिगड़ गई जब उसे पता चला कि हिंदाल आगरा की गद्दी को छीनना चाहता है। शेर खां ने उसे शांति का प्रस्ताव भेजा। वह उसकी बातों में आकर एक छोटी सेना की टुकड़ी को गौड़ में छोड़कर आगरा लौट रहा था और रास्ते में कर्मनाशा नदी के पास अफगानों की फौज थी, जिन्होंने उस पर अचानक हमला कर दिया। वह उस युद्ध से किसी तरह भी जान बचाने में सफल हो गया और आगरा आ गया। उसने आगरा आकर एक सेना तैयार की और मई 1540 ईस्वी में कन्नौज में हुमायूं और अफगानों के बीच एक युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई। इस युद्ध के बाद हुमायूं दर दर भटकने के लिए मजबूर हो गया। किसी ने उसका साथ नहीं दिया और आखिर में वह ईरान चला गया और ईरान के शाह की मदद से उसने 1545 ईस्वी में काबुल और कांदार पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद उसको मच्छीवारा के युद्ध में बड़ी सफलता मिली। 1555 में मच्छीवारा और सरयंद के युद्ध में उसने सिकंदर शाह सूर को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया, लेकिन उसके भाग में राज्य भोग ज़्यादा दिन तक नहीं था। वह एक दिन दीनपना पुस्तकालय की पहली मंजिल से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं का जीवन संघर्ष भरा था। वह राजा से फकीर और फकीर से राजा बना था। हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर गद्दी पर बैठा, जिसने मुगल साम्राज्य को एक नई दिशा दी। अकबर को मुगल वंश का एक महान शासक माना जाता है। अकबर का जन्म एक राजपूत के महल में हुआ था। जब हुमायूं शेरशाह सूरी से पराजित होकर भारत को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया था, तो उसे अमरकोट के राजा राणा बीरसाल के महलों में शरण मिली थी, जहाँ पर सन 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में कालानौर नामक स्थान पर अफगानों के खिलाफ मुगल सेना की कमान संभाले हुए था। कालानौर में ही मात्र 13 वर्ष और 4 महीने की उम्र में उसके सर पर मुगलिया ताज रख दिया गया। यह ताज कांटों से भरा था, क्योंकि अफगानी अब भी ताकतवर थे। चुनार से बंगाल तक का क्षेत्र शेर शाह के एक भतीजे आदिल शाह के कब्जे में था। आदिल शाह ने मुगलों को भारत से बाहर निकालने की जिम्मेदारी हेमू को दे रखी थी। हेमू एक ताकतवर योद्धा था, जिसने आगरा पर अधिकार कर लिया और 50,000 घुड़सवारों और 500 हाथियों की सेना लेकर दिल्ली की ओर चल दिया और वहां दिल्ली के करीब हेमू ने मुगलों को पराजित कर दिया और नगर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इस उपाधि को धारण करने वाला वह भारत का 14वां शासक था। इस युद्ध को हारने के बाद अकबर और बैरम खां ने तुरंत देर ना करते हुए अपनी सेना को दिल्ली की ओर बढ़ा दिया। बैरम खां अकबर का एक वकील था। अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी थी। मुगलों और हेमू में एक बार फिर पानीपत के मैदान में 5 नवंबर 1556 ईस्वी को एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें हेमू की आँख पर एक तीर जा लगा और उसकी मृत्यु हो गई। अब अकबर को अपना साम्राज्य एक नए सिरे से शुरू करना था। बैरम खां ने लगभग 4 वर्षों तक शासन संभाला। इसके बाद अकबर ने शासन व्यवस्था अपने हाथों में ले ली, जिससे नाराज होकर बैरम खां ने विद्रोह कर दिया और 1560 ईस्वी में तिलवाड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें बैरम खां ने आत्मसमर्पण कर दिया। अकबर ने उसका स्वागत किया और उसे मक्का जाने को कहा। मक्का जाते वक्त रास्ते में अफगानों ने उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद उसकी विधवा पत्नी से उसने विवाह कर लिया और उसके बेटे को अपने बेटे की तरह पाला, जो बड़ा होकर
अब्दुल रहीम खाने खाना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बैरम खां के विद्रोह के बाद अकबर ने अपने मुँह बोले भाई आदम खां को भी किले से फिकवा कर मार डाला था, क्योंकि उसने वजीर शमसुद्दीन अतगा खां को छुरा घोप कर मार डाला था, जिससे अकबर आग बबूला हो गया। इसके बाद अकबर ने उज्बेकों के इस विद्रोह को भी दबाया और उन पर विजय प्राप्त की। अकबर को एक के बाद एक कामयाबी मिलती चली गई। उसने मध्य प्रदेश और गुजरात को भी जीत लिया था। आगरा से गुजरात जाने का रास्ता चित्तौड़ होकर जाता था, इसलिए उसने चित्तौड़ के किले को चारों ओर से घेर लिया। उस समय चित्तौड़ पर राणा उदय सिंह का राज था। राणा उदय सिंह अपने युद्ध की कमान वीर जयमल और फत्ता को देकर चला गया। जयमल और फत्ता बड़ी ही बहादुरी से लड़े, जिनको देखकर अकबर दंग रह गया। लेकिन 6 महीने की घेराबंदी के बाद उसने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर ली। जब वो महल में गया तो उसने बेबस और बेसहारा किसानों, औरतों और बच्चों का कत्लेआम कर दिया था। ये अकबर के जीवन का पहला नरसंहार था। इस युद्ध में जयमल और फत्ता की वीरता को देखते हुए अकबर ने आगरा के किले के द्वार पर हाथियों पर बैठे इनकी प्रतिमा लगवाने का आदेश दिया। अकबर ने इसके बाद कई युद्ध और जीते और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। 1576 ईस्वी में बिहार में दाऊद खां को भी पराजित कर मार डाला गया, जिसके बाद उत्तर भारत में अंतिम अफगान राज्य भी मिट गया और मुगलों को एक नई सफलता मिली। अकबर ने राजपूत राजाओं से वैवाहिक संबंध बनाए थे, जिसकी वजह से उसको राजपूतों का भी साथ मिला था। अकबर ने मेवाड़ राज्य को छोड़कर लगभग पूरे भारत में मुगलिया झंडा फहरा दिया था, क्योंकि मेवाड़ में उस समय महाराणा प्रताप का राज था, जिसको अकबर आजीवन नहीं हरा पाया था। अकबर को महान राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके राज्य में सभी धर्मों का सम्मान होता था। क्योंकि उसका जन्म एक राजपूत के घर में हुआ था, इसलिए उसका अकबर के जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। अकबर ने धर्म के नाम पर कभी भी किसी के साथ अत्याचार नहीं किया था, वो सभी धर्मों का सम्मान करता था। अकबर की विशाल हृदयता इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि 1562 ईस्वी में उसने युद्धबंदियों को गुलाम बनाने की प्रथा पर रोक लगा दी थी और 1563 ईस्वी में उसने तीर्थ कर को भी समाप्त कर दिया था। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को भी हटा दिया था। 1575 ईस्वी में उसने इबादत खाने का निर्माण करवाया, जिसमें आलिमों, फकीरों और सूफियों को वह बुलाता था और उनके प्रवचन सुनता था। 1578 ईस्वी में उसने इबादत खाने के द्वार सभी धर्मों के लिए खोल दिए थे। अकबर के दरबार में 9 नवरत्न थे, जो उसकी विशेषता को और भी बढ़ाते थे। अकबर ने अपने जीवन काल में और भी ऐसे कई कार्य किए थे जो किसी ने अभी तक के इतिहास में नहीं किए थे। इसके शासनकाल में किसी के भी धर्म को हानि नहीं पहुंची थी। अकबर ने सिखों के तीसरे गुरु अमरदास से भी भेंट की और चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान की, जिस जगह पर आज अमृतसर शहर बसा हुआ है। अकबर ने समाज सुधार के लिए सती प्रथा पर भी रोक लगाई थी और विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी थी। इसके अलावा वैश्याओं के लिए सैतानपुर नामक नगर की स्थापना की थी। इसके बाद 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सलीम गद्दी पर बैठा, जिसे जहांगीर के नाम से जाना जाता है। 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु के बाद 3 नवंबर को सलीम का राज्याभिषेक हुआ। उसने अपने आप को जहांगीर की उपाधि से नवाजा। सलीम अकबर और जयपुर की राजकुमारी हरकाबाई का पुत्र था। सलीम की भी शादी 2 राजपूत राजकुमारियों से हुई, जिसमें एक जयपुर की राजकुमारी मानवाई तथा दूसरी जोधपुर की राजकुमारी जोधाबाई थी। मानवाई ने सलीम की आदतों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। आगरा के लाल किले में सलीम का राज्याभिषेक हुआ। सलीम ने गद्दी पर बैठते ही उन सभी लोगों को उच्च पद प्रदान किए थे जिन्होंने विपत्ति के समय उसका साथ दिया था। गद्दी पर बैठते ही जहांगीर ने जनता की भलाई के लिए 12 आद्यादेश जारी किए थे, जिन्हें हम दस्तूर उल अमल या आईने जहांगीरी के नाम से जानते हैं। वह अकबर की तरह उदारवादी भावना पर चलना चाहता था। उसने यमुना तट से लाल किले तक एक स्वर्ण जंजीर लगा दी थी, जिससे कोई भी फरियादी आकर उससे मदद मांग सकता था। जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ के राणा अमर सिंह ने भी जहांगीर से संधि कर ली थी, जिसमें संधि के शर्तों के मुताबिक
उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जहांगीर ने अमर सिंह के पुत्र करण सिंह का आगरा में भव्य स्वागत किया और उसे गले लगाकर 5000 का मनसबदार बना दिया। 1623 ईस्वी में खुर्रम यानी कि शाहजहां ने भी जहांगीर से विद्रोह कर दिया और आगरा पर आक्रमण कर दिया, लेकिन इस युद्ध में शाहजहां की पराजय हुई। वह कई जगहों पर मदद के लिए घूमा पर उसे कहीं भी किसी से भी मदद नहीं मिली और आखिर में वह निराश होकर आगरा लौट आया, जहां पर जहांगीर से उसने क्षमा याचना की और जहांगीर ने उसे माफ़ कर दिया और बालाघाट की जागीर उसे दे दी। जहांगीर ने दक्षिण और कांगड़ा के युद्धों पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। जहांगीर ने जजिया और तीर्थकर को बंद रखा और हिंदुओं को मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी थी, जिसके बाद अनेक मंदिर बनवाए गए जिसमें मथुरा का केशव देवराय मंदिर प्रसिद्ध है। कभी कभी जहांगीर ने निर्दयता का भी प्रदर्शन किया था, जिसमें उसने राजौरी के ब्राह्मणों को दंडित किया था और पुर्तगालियों से युद्ध करते समय उसने गिरजाघरों को बंद करवा दिया था। कांगड़ा में उसने ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वा दिया और गौवध भी कराया। जहाँ पर जहांगीर ने कट्टरता दिखाई थी, वहाँ पर कुछ राजनीतिक कारण भी सामने आए थे। अगर जहांगीर की राजपूत नीति की बात करें तो उसने हिंदुओं को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया था। जहांगीर के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जहांगीर को मदरा और अफीम की लत थी, जिसकी वजह से उसका स्वास्थ्य 1620 ईस्वी से बिगड़ने लगा था। अत्यधिक मदरा सेवन से उसका स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हो गया और 29 अक्टूबर 1627 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। जहांगीर के बाद उसका पुत्र शाहजहां गद्दी पर बैठा। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, उसकी माता का नाम जगत गोसाई था। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने खुर्रम को 10,000 जात व 5,000 सवार का मनसब प्रदान किया था। 6 फरवरी 1628 ईस्वी को खुर्रम का राज्याभिषेक हुआ और अपने पिता जहांगीर की तरह उसने शाहजहां बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। शाहजहां ने बादशाह बनते ही दक्षिण भारत की ओर अभियान शुरू कर दिया। उसने अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा पर अपना अधिकार कर लिया। इसी समय गोलकुंडा का वजीर मीर जुमला भी मुगलों की सेवा में आ गया। उसने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। शाहजहां के पास सभी प्रकार के साधन उपलब्ध थे। 1636 ईस्वी तक उसने दक्षिण विजय का कार्य पूरा कर दिया था। अब वह अपने राज्य का विस्तार मध्य एशिया की तरफ बढ़ाना चाहता था। उसने आगे चलकर कुंदूज, खोस्त और बदख्शां को जीत लिया, लेकिन यहाँ की जलवायु उसे रास नहीं आई थी और 1647 ईस्वी में मुगल सेना काबुल से वापस लौट गई। इसके बाद मुगल सेना ने उत्तर पश्चिम सीमा पर ध्यान दिया और 1639 ईस्वी में कांधार के किले पर अपना कब्जा कर लिया। शाहजहां की अगर हम धार्मिक नीतियों की बात करें तो शाहजहां इस्लाम को अधिक महत्व देता था। 1632 ईस्वी में उसने एक फरमान जारी कर दिया था कि जो मंदिर उसके पिता जहांगीर के शासनकाल में बनवाए गए थे उनको तोड़ दिया जाए। बुंदेलखंड में युद्ध के समय उसने ओरछा के मंदिरों को तोड़वा दिया था और जुजार सिंह के पुत्रों को बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया था। 1636 ईस्वी में इसने सिजदा प्रथा का भी अंत कर दिया। उसके स्थान पर चहार तस्लीम प्रथा चालू कर दी गई। सम्राट के चित्रों पर पगड़ी लगाने पर रोक लगा दी थी। इलाही सम्मत के स्थान पर हिजरी सम्मत चालू कर दिया गया। उसने हिंदुओं पर अनेक रोक लगा दी थी, पर उसने अहमदाबाद में चिंतामणि मंदिर की मरम्मत करवाई और खम्माद में गौ हत्या पर रोक लगा दी थी। उसने झरोका दर्शन, तुलादान आदि हिंदू रीति रिवाजों का पालन किया था और हिंदुओं को ऊंचे पदों पर जारी रखा था। शाहजहां ने लगभग उन्हीं नीतियों का पालन किया जो उसके पिता ने किया था, पर उसकी धार्मिक नीति से पक्षपात का प्रमाण मिलता है। सन 1657 ईस्वी में शाहजहां बीमार पड़ गया और उसके पुत्रों में सत्ता के लिए जंग छिड़ गई। उनके बेटों में एक के बाद एक 5 युद्ध हुए थे, जिसमें अंत में औरंगजेब ने दारा सिखों को हराकर विजय प्राप्त की और गद्दी पर अपना हकदार बन गया।
औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहद नामक स्थान पर हुआ था। 1634 ईस्वी में उसे 10,000 का मनसबदार नियुक्त किया गया था। दिल्ली पर अधिकार के बाद उसने 21 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाया, लेकिन उसके सामने अभी भी एक बड़ी समस्या थी कि उसके भाई जीवित थे और सिंहासन अभी भी खाली नहीं था। लेकिन उसने सांझा को राजपद से हटवा दिया और अपने भाई मुराद को बंदी बना लिया। इसके बाद खजुआ में सोजा को और देवराय में दारा को पराजित कर 5 जून 1659 को बड़े ही जोर शोर से अपना विधिवत राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब एक सुन्नी मुसलमान था, जिसकी वजह से हिंदुओं को काफ़ी अत्याचार सहना पड़ा था। वो अपने धर्म को अधिक महत्व देता था। उसने कई ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से हिंदुओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उसने 1669 ईस्वी में शाही दरबार में संगीतकारों को रखने की प्रथा पर रोक लगा दी थी और हिंदुओं की तुलादान प्रथा को भी खत्म कर दिया था। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदू राजाओं की तिलक करने की प्रथा पर रोक लगा दी थी, जो अकबर से समय से चली आ रही थी। इसने जजिया कर को चालू कर दिया। इसने झरोखा दर्शन और हिंदुओं के त्योहारों पर रोक लगा दी थी। इसे ज्योतिष पर विश्वास नहीं था, इसलिए दरबार में ज्योतिषों को हटा दिया था। औरंगजेब ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि वह अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता था। उसकी आस्था और विश्वास केवल अपने धर्म में ही था। वो कहता था कि ईश्वर उन्हीं व्यक्तियों को राजसत्ता प्रदान करता है जो अपनी प्रजा की रक्षा और भलाई के लिए कर्तव्य सुचारू रूप से करते हैं। उसे विश्वास था कि उसका कर्तव्य इस्लाम की सेवा में करना है, जिसके लिए उसने कई कदम उठाए। 1669 ईस्वी में उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया। हिंदुओं पर आर्थिक दबाव डाला गया था, उनके लिए चुंगी के टैक्स को बढ़ा दिया गया। 1668 ईस्वी में हिंदुओं के धार्मिक मेलों पर रोक लगा दी थी और तीर्थ यात्रा पर कर लगा दिया गया। उसने पीरों की मजार और कब्रों पर भी दीपक जलाने की प्रथा को रोक दिया था, जिससे पता चलता है कि वह एक कट्टर धार्मिक प्रवृत्ति का शासक था। औरंगजेब के राजपूतों के साथ भी कई युद्ध हुए थे, जिसमें मेवाड़ के राणा राज सिंह और वीर दुर्गादास ने इसे टक्कर दी थी। वीर दुर्गादास ने मारवाड़ को पाने के लिए कई वर्षों तक युद्ध किए थे। वीर दुर्गादास ने औरंगजेब के बेटे अकबर को समझाया कि उसका पिता उसके पूर्वजों की ख्याति को कलंकित कर रहा है, इसलिए शहजादा अकबर ने राजपूतों का साथ देने का निर्णय लिया। उसने 1681 ईस्वी को स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया और औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। राजपूत और शहजादा अकबर अब एक हो चुके थे। औरंगजेब इस बात से चिंतित हो उठा। उसने दिल्ली से आकर आमेर पर पड़ाव डाल दिया और कूटनीति का सहारा लिया। उसने राजपूतों के शिविर में पर्चे फिकवा दिए, जिसमें लिखा था कि दोनों बाप बेटे मिलकर खूब राजपूतों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस पत्र से राजपूतों ने अकबर का साथ देने से इनकार कर दिया और उसे हार का सामना करना पड़ा। दुर्गादास राठौर इस बात को समझ गया था कि यह औरंगजेब की एक चाल थी। औरंगजेब ने उदयपुर और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और करीब 250 मंदिरों को तोड़ दिया। अब दुर्गादास ने शहजादा अकबर को मराठा सम्राट संभाजी महाराज के यहाँ शरण में भेज दिया। दक्षिण में मराठा शक्ति बढ़ रही थी, क्योंकि औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज को आजीवन पकड़ नहीं पाए थे। अपने बेटे अकबर का पीछा करते हुए औरंगजेब दक्षिण भारत की ओर चल दिया। इसके बाद संभाजी महाराज और औरंगजेब में कई युद्ध हुए, लेकिन आखिर में औरंगजेब ने संभाजी महाराज को कैद कर लिया और मार डाला। संभाजी की मृत्यु हो जाने के बाद औरंगजेब के लगभग सभी उद्देश्य पूरे हो चुके थे। उसने बीजापुर और गोलकुंडा पर भी अधिकार कर लिया था। उस समय लगभग पूरे भारत पर औरंगजेब का ही शासन हो चुका था, लेकिन मुगल साम्राज्य का पतन भी आरंभ हो चुका था। संभाजी की मृत्यु के बाद सभी मराठा राजपूत एक हो गए थे और उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने औरंगजेब से लगातार संघर्ष किया और कई युद्ध लड़े, जिसकी वजह से औरंगजेब को काफ़ी हानि पहुँची और 1705 ईस्वी में उसने अपनी हार स्वीकार कर ली, जिसके बाद उसने अपनी सेना को उत्तर भारत जाने का आदेश दे दिया। लेकिन 20 फरवरी 1707 ईस्वी को अहमदनगर में 90 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई।
औरंगजेब ने दिल्ली की गद्दी पर सबसे अधिक समय तक शासन किया था, लेकिन दक्षिण भारत ने उसकी सत्ता को हिलाकर रख दिया था। अपने 50 वर्षों के शासनकाल में 26 वर्ष उसने दक्षिण भारत में ही बिता दिए थे। वो 26 वर्षों तक दक्षिण भारत में ही रहा, जिसके बाद उत्तर भारत के राजपूत राजाओं ने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया था। उसने दूसरे धर्मों के लोगों पर काफ़ी अत्याचार किया था, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद जगह जगह पर विद्रोह होना शुरू हो गया था और धीरे धीरे मुगल वंश का अंत हो गया। मुस्लिम समुदाय के अनुसार वह एक योग्य शासक था, जिसे किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का शौक नहीं था। वह अपने खर्चे के लिए राजकोष में से एक भी रुपया नहीं लेता था। वह टोपियां सिलता था और उन्हें बेचकर अपना खर्च चलाता था। तो ये थी मुगल इतिहास की सारी जानकारी। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतिहास से जुड़ी इसी प्रकार की वीडियो हम हमारे इस चैनल पर लाते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों।